दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीनी की राह इस पथ दर्शक सुविचारमाला के साथ। पथ दर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के अब तक के सुर्खियों पर। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियां, अभी एक ब्रेक लेंगे तत्पश्चात देखेंगे समाचार विस्तार से। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अपने निकम्मगिरी के लिए पहचान कायम कर रहे मनपा स्कूलों के शिक्षा का दर्जा सुधारने की पहल मनपा ने अब की है। मनपा की सभी स्कूलों को सेमी इंग्लिश माध्यम का करने की भूमिका मनपा की है, जिस पर सोमवार को गहरा मंथन हुआ। सोमवार को मनपा के सदन सभागृह में शहर के मनपा स्कूलों के शिक्षा का दर्जा सुधारने गहन मंथन हुआ। निगमायुक्त, महापौर, शिक्षक विधायक और मनपा पदाधिकारियों सहित शहर की 35 शिक्षा संस्थाएं इस मंथन बैठक में शामिल थी। मनपा के स्कूलों पर लगा नाकामयाबी का धब्बा धोने का काम मनपा ने हाथ में लिया है। इसी के तहत सभी से सुझाव तथा विचार इस मंथन बैठक में मांगे गए। मनपा के सभी स्कूलों को सेमी इंग्लिश माध्यम में चलाने का प्रस्ताव इस बैठक में रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और निर्देश जारी हुए कि मनपा के स्कूलों का दर्जा किसी भी हाल में सुधारना है और मनपा की सभी स्कूलों को सेमी इंग्लिश मीडियम में चलाया जाएगा। मनपा स्कूलों को सेमी इंग्लिश मीडियम में चलाने का प्रस्ताव सोमवार को इस मंथन बैठक में पारित हुआ। यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। सभी मान्यवरों ने अपने अपने विचार तथा सुझाव इस बैठक में रखे। गौरतलब है कि मनपा स्कूलों को सभी दरकिनार करते हैं। पालक अपने पाल्यों को मनपा स्कूलों में भेजने तैयार नहीं होते। इसके लिए मनपा भी जिम्मेवार है, क्योंकि मनपा के कुछ स्कूलों ने अपनी शताब्दी भी पूरी कर ली है। इन्हीं में से एक है भाजी बाजार स्थित मनपा की मुलिंची शाला। फिर भी यह स्कूल बदहाल हालात में ही है। रिक्षा सुद्धा विचार करतो की आपण रिक्षा चालवतो पण आपल्या मुलाला
इंद्रने वाटेवाच्या शहरात समजा तेवढा कष्ट करून तो त्यांना पाठवण्याचा प्रयत्न करतो. ही एक बाब आहे. या प्रकारचा उपाय असा असू शकतो की जे विषय इंद्रजी तो शिकवणं गरजेचे आहे शाळेचं वाक्यात मराठी बोलचालीची भाषा मराठी, पण जे विषय इंग्रजीतून शिकवणं गरजेचे आहे महापालिकेच्या शाळांमधून ते सुद्धा जर इंग्रजीतून शिकवण्याची मुभा मिळाली तर काम करणं थोडस सोयीचं होऊ शकेल. कारण उदाहरणार्थ येणे शिक्षा समितीची एक शाळा पूर्ण इंग्रजी माध्यमाची आहे आणि त्याबरोबर जर आपण मराठी माध्यमाची शाळा जर चालवायला दिली संस्थानी घेईल हे मी अनिवाचन करतो या मिनिटाला, पण तिथल्या मराठीच्या शाळेत जायला इंग्रजी माध्यमाची जी मागणी करून जो येतो आहे तो जाणार नाही. म्हणून माध्यमाचा विचार करणे आणि योग्य ते माध्यम स्वीकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हे जर होऊ शकलं तर ही गोष्ट जास्त चांगल्या रीतीने जास्त पुढे जाऊ शकेल. शहर का गौलीपुरा स्थित शादी हॉल सालों से विवादों में है. आखिर इस शादी हॉल को मनपा ने सील लगा दिया. सोमवार को मनपा के बांधकाम विभाग के दस्ते ने यह कार्रवाई की. शहर के गौलीपुरा में पूर्व पार्षद सलीम बेग द्वारा मनपा के शादी हॉल का गैरवापर और मनपा की प्रॉपर्टी हथियाने का आरोप पार्षद हमीद श्रद्धा ने किया है. कई बार उन्होंने इस आरोप को दोहराते मनपा को शिकायतें दी. इस शिकायत पर सोमवार को मनपा ने कार्रवाई की. मनपा का दस्ता सोमवार की दोपहर शादी हॉल पहुंचा और हॉल को सील लगा दिया. इस कार्रवाई का पूर्व पार्षद सलीम बेग ने कड़ा विरोध किया है. उनका कहना है कि यह प्रॉपर्टी मनपा की नहीं ट्रस्ट की है. सोमवार को मनपा ने यह शादी हॉल सील तो कर डाला लेकिन विवाद यहां पे अभी थमा नहीं है. इस विवाद की अगली कड़ी क्या होगी ये अब देखना है. शहर में चोरों और अपराधियों के हौसले बुलंद है. शहर में हर पुलिस थाने में रोज वाहन चोरी सेंधमारी आदि दर्जनों वारदातें दर्ज होने लगी है. अब तो चोर दिन दहाड़े चोरी के वारदातों को भी अंजाम देने लगे हैं. सोमवार को शहर के आसिर कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात प्रकाश में आई जिससे पुलिस के कर्तव्य दक्षता को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है. आसिर कॉलोनी के सैयद अफजल का पूरा परिवार बाहर घूमने गया है. घर में सिर्फ एक युवती थी जो सोमवार को घर में ताला लगाकर कॉलेज गई थी. यह युवती जब घर से लौटी तो उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी. उसने फौरन दरवाजा खोला तो घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा मिला. घबराकर उसने फौरन वारदात की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर वारदात दर्ज कर ली. दिन दहाड़े चोरी कर चोरों ने जेवरात और नकद पर हाथ साफ किया है, लेकिन चोरी कितने की हुई यह तभी पता चलेगा जब अफजल का परिवार घर लौटेगा. जिले के चांदूर बाजार इस प्रमुख तहसील की स्मशान भूमि का बड़ा बुरा हाल है. यह स्मशान भूमि है या जंगल का कोई हिस्सा यह समझ में ही नहीं आता. सर्वदूर थमे पानी के डोबरे, स्मशान भूमि में फैले पेड़ झाड़ियां आदि से यह स्मशान भूमि मुर्दों को जलाने लायक हालात में भी नहीं है. चांदूर बाजार नगर पालिका स्मशान भूमि के लिए लाखों की निधि की व्यवस्था हर साल करती है, लेकिन यह निधि कहाँ जाता है यह सवाल स्मशान भूमि की बद से बदतर हालत देख सभी पूछ रहे हैं. मृत्यु हे मानसाच्या जीवनातले आखरीचे सत्य आहे हे म्हणणे वावगे ठरत नाही, परंतु त्याही पेक्षा दुर्दैवी समोर आलेली घटना म्हणजे माणसाला वाटते की आयुष्यभर जगत असताना त्याला अनेक प्रकारचा त्रास दिला जातो, दुःख दिले जाते, परंतु चांदूर बाजार तालुक्यात सिटी न्यूज आपल्याला दाखवित आहे की माणसाला मरण्यानंतरही तेवढाच त्रास सहन करावा लागतो, तेवढ्याच वेदना सहन कराव्या लागतात आणि तेवढंच दुःखही सहन करावं लागतं. म्हटल्या जाते की जगत असताना मला इतकेच कडले होते, जगण्याने तर छडले मरण्यानेही छडले होते, अशी परिस्थिती चांदूर बाजार तालुक्यात दिसून येत आहे. चांदूर बाजार तालुक्यात अनेक गावात व शहरात स्मशानभूमी आहेत. स्मशानभूमी असूनही त्याची पाहिजे तेवढी व्यवस्था नाही. स्मशानभूमीची पुरेपूर जबाबदारी स्थानिक ग्रामपंचायत तसेच नगरपालिकेची असते, परंतु ग्रामपंचायत व नगरपालिकेचे याच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्याचे सर्वात मोठे कारण असे
की जिथे स्मशानभूमी आहे त्या बाजूला अनेक प्रकारचा गटरगंगा साचलेली आहे, त्या स्मशानभूमीच्या बाजूला अनेक प्रकारची वनस्पती निर्माण झालेली आहे, गावातील उपयुक्त येणारे शेणखताचे अनेक ढिगारे लागलेले आहेत, त्याचमुळे असे वाटते की हे स्मशानभूमी नसून मरणाऱ्या माणसाला जीवनात जगत असताना असे वाटते की मरण्यानंतर शांतता लाभेल, परंतु तालुक्यात अशी कोणतीही परिस्थिती दिसून येत नाही। त्याच्यामुळे हे म्हणणे वाव तालुक्यातील असलेल्या स्मशानभूमीकडे स्थानिक ग्रामपंचायत तसेच नगरपालिका यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे। कॅमेरामॅन शशिकांत निच्यासोबत जगदीश डोरे, सिटी न्यूज। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। सोमवार को शहर के सर्प मित्रों ने सात भयंकर विषैले सांपों को जीवन दान दिया। मन्यार, नाग, धामन, रेसर इन चार जातियों के सात सांपों को सर्प मित्रों द्वारा जंगल क्षेत्र में छोड़कर जीवन दान दिया गया। इन सांपों को नाले किनारों के बस्तियों से पकड़ा गया था। मन्यार, नाग सांपों की ये दो प्रजातियां बेहद विषैली। धामन, रेसर ये सांपों की प्रजाति बहुत तेज तर्रार। ये चारों प्रजातियां सोमवार को एक साथ देखी गई। सांप जब किसी के घर में निकलते हैं तो भागते नहीं बनता, सांप देखकर ही उसे कुचल दिया जाता है ताकि उसका डर ना रहे। लेकिन बहादुर सर्पमित्र ऐसा नहीं करते। सोमवार को सर्पमित्रों के एक टोली ने शहर के नाला बहुल क्षेत्रों से आए नागरिकों के शिकायतें एवं सूचनाओं पर चार प्रजातियों के सात सांपों को पकड़ा। तीन मन्यार जो बेहद विषैली है, एक नाग जिसका जहर दवा भी न मांगता, दो धामन, एक रेसर, ऐसे कुल सात सांप सोमवार को सर्पमित्रों ने पकड़े और उन्हें सही सलामत दूर जंगल ले जाकर छोड़ दिया ताकि उनके प्राण बच सके। पोरा के वन परिक्षेत्र में इन सातों सांपों को जीवन दान दिया गया। शहर में सांप क्यों निकल रहे हैं और वह भी इतने तादाद में, ये जब इन सर्पमित्रों को पीछा गया तो उन्होंने शहर में सर्वदूर फैलते गंदगी को जिम्मेदार ठहराया। चंद घंटों पूर्व ही बरसात शुरू हो चुकी है और नालों का पानी शहर के प्रभागों में भी घुसना शुरू हो चुका है। ऐसे में आए दिन कईयों प्रभागों में सांप बिच्छू का निकलना आम सी बात हो गई है। बीते कुछ घंटों में ही हमारे शहर के सर्पमित्रों ने दर्जनों सांप पकड़े, जो चंद मिनटों पूर्व आपने देखे हैं कि कैसे उन्होंने फॉरेस्ट के जंगल में उन सांपों को छोड़कर जीवन दान दिया है। आइए हम इन सर्पमित्रों से जानते हैं कि इन्होंने किस किस इलाके से ये सर्प इकट्ठा किए हैं और आए दिनों में सर्प निकलने का प्रमाण जो है वो कैसा है। आपण हे सगळे साप जमा केले? आता 10 नाग होते। आपण जे वेगवेगळे साप सोडले त्या सापांमध्ये किती प्रजाती होत्या? तीन जातीच्या होत्या। कोणत्या कोणत्या? एक नाग होता, एक रेसर होता आणि धामन होती, मन्यार होती। मन्यार म्हणजे हा सगळ्यात विषारी आहे आणि नाग किती विषारी आहे? विषारी खूप, नाग ही खूप विषारी आहे पण मन्यार त्याच्या बरोबर जास्त आहे। अच्छा अच्छा। एकंदरीत हा सगळा प्रकार जो करत होतो आपण, सगळे साप आपण इथपर्यंत गोळा करत आणले तेव्हा तुम्ही जी माहिती सांगितली ते खरंच आम्हाला एक सर्व जनतेपर्यंत पोहोचवायची वाटली की साप निघायचं प्रमाण काय आहे, साप का निघतात? नवीन पाणी आल्यामुळं साप निघायचं प्रमाण असं आहे की अमरावती शहरात झालेला जो कचरा आणि नालो नाले, जे नालो नाले आहेत ते साप नाही झालेले आहे, त्यामुळे आपण जे घरातलं खरकटं बाहेर वगैरे फेकतो ते खरकटं जमा होते। खरकटं खायसाठी, उष्ट जे आपण फेकतो ते खायसाठी बेडूक येतात आणि बेडकाला खायसाठी हे साप येतात, जेणेकरून ते मानवी वस्तीत सहजतेने प्रवेश करतात। त्यामुळे साफसफाई नसल्यामुळे वन्यजीव जो आहे तो शहरात आगमन करून राहिला पाण्यामार्फत। साफसफाई अगर नाही रखेंगे तो सर्प निकलने की जो प्रमाण है वो कई गुना बढ़ जाएगा, ये खुद वो सर्प मित्र बता रहे हैं जिन्होंका आए दिन कईयों विषैले सांपों से सामना होता है। हमारे पास ये सारी की सारी सर्प मित्रों की टोली है और इनका अपील है कि अगर आपको कहीं सर्प निकलता है, दिखता है तो तुरंत इन्हें कॉल कीजिए, ये उन्हें बचाकर जंगल में छोड़ेंगे ताकि इन सर्पों की प्रजातियां नष्ट न हो।
एक लास्ट हम जानकारी इन सर्प मित्रों से लेंगे कि कितने प्रकार के विषैले सांप इस अमरावती परिक्षेत्र में पाए जाते हैं। ये चारों प्रजातियां आप कई बार पकड़ चुके हो? हाँ, बहुत बार। आपने देखा हुआ है कि भाई अपन ने वो मन्यार पकड़े, नाक पकड़े, खोनस तो यहाँ पे नहीं था, फुरसे भी नहीं था, और बाकी के विषैले सांप अपन अपने घर में मिलते। तो अभी आपने देखा कि इन सर्प मित्रों की टोली ने क्षेत्र में निकले कईयों दर्जनों सांप, जिनमें मनियार था, घुनस था, रेसर था, जिनके तो कईयों के नाम भी हमें पता नहीं थे, जिनकी पहचान इन सर्प मित्रों ने कराई, उन तमाम सर्पों को इकट्ठा कर फॉरेस्ट के वन विभाग में छोड़ा है। और ये अपील भी की है कि सांपों की हत्या ना करे, उन्हें जीवन दान दे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन श्रीवास्तव सह अमोल खोड़े। शहर के सेंट फ्रांसिस स्कूल का विवाद सुर्खियों में है। इस विवाद के चलते यह स्कूल पालकों के रडार पर है। पालकों को अपने पालियों के भविष्य की चिंता सता रही है। शहर के सेंट फ्रांसिस स्कूल का विवाद बहरहाल सुर्खियों में है। इस स्कूल की मान्यता रद्द करने की टिप्पणी जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने दी है। इस टिप्पणी के तहत शिक्षा विभाग ने सेंट फ्रांसिस स्कूल के विविध त्रुटियों पर तथा अवैध नियमावली पर ध्यान खींचते हुए स्कूल में चल रहे अनियमितता का तथा विवादों का हवाला भी दिया है। CBSE पैटर्न के नाम पर स्कूल ने दाखिले तो करवाए, लेकिन अब पता चला है कि इस स्कूल को CBSE पैटर्न की मान्यता ही नहीं है, जिससे इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के पालक अपने पालों के भविष्य को लेकर चिंतित है। मैं सबसे पहले पालक मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आखिरकार हमारी सुनवाई ली, और सुनवाई के लिए श्री राम पवार साहब को उचित आदेश दिए टेलीफोन द्वारा। उचित आदेश मिलने के बाद में श्री राम पवार साहब के जब ऑफिस में जब हम गए सुबह 11 बजे, तब राम पवार साहब ने माननीय शिक्षण अधिकारी प्राथमिक को आदेश दिए कि ये जो प्रॉब्लम है सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल का, ये आज के आज इसका निर्णय हो जाना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर शिक्षण अधिकारी प्राथमिक साहब से जब मिलने के लिए आए, पांजड़े साहब का ये कहना है कि हमको 2 दिन का समय और दिया जाए। हमारा यही कहना है कि 2.5 महीने से जब आपके उसमें यह प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप 2.5 महीने में नहीं कर सके तो 2 दिन में आप क्या कर सकोगे। इसके ऊपर और बहुत सारी भी चीजें थी हमारी, कि बाल हक आयोग का एक जो बाल हक का जो उल्लंघन हुआ है, उसके अंदर हमारे माहिती अधिकार के अंतर्गत हमारे जो माहिती पेंडिंग पड़ी है उसके ऊपर आपने क्या किया, और स्कूल के ऊपर अभी तक के अनधिकृत स्टेट बोर्ड जो अनधिकृत है उसके ऊपर आपने FIR क्यों नहीं दर्ज करी, ये सारी हमारी मांगे है। तो उस वजह से एक घंटे का समय हमारे को शिक्षण अधिकारी प्राथमिक ने मांगा है। सेंट फ्रांसिस स्कूल साठी माझं एवढंच म्हणणं आहे की जर ही स्कूल अनधिकृत असेल तर मग त्यांनी अनधिकृत असेल तर त्यांनी जे CBSE वगैरे आहे ते का चालवावे, आणि जर अधिकृत असेल तर माझं असंच म्हणणं आहे की बा मुलांचे जे पुस्तकं वगैरे आहे, स्कूलला 8 दिवस सुरू व्हायला वेळ आहे फक्त, बाकी स्टेटचे वगैरे काही पुस्तकं आले आहेत, दुसऱ्या शाळेच्या मुलांचे पुस्तकं आलेले आहेत, मुलं पुस्तकांसाठी घरी ओरडतात आहे, त्यांनाही आशा असते की पुस्तकांना कव्हर वगैरे लावली पाहिजे, हे लावलं पाहिजे, तर पुस्तकं शाळेवाल्यांनी का बोलवले नाही जर अधिकृत असेल तर? मग जर अनधिकृत असेल तर मग शासनाचं बंद का नाही करावी? एक पालक म्हणून माझी हीच मागणी राहील की बा जर स्कूल जर अधिकृत असेल तर पुढे व्यवस्थापकांनी पुढे पुस्तकं वगैरे मुलांचे प्रशासक बसवावे, नाहीतर मग पुस्तकं वगैरे मुलांचे जे आहे ते बोलवण्यात यावे। आणि ते शाळा सुरू व्हायला अजून फक्त 8 दिवस राहिलेले आहे, ज्या काही समस्या आहेत त्या सुटायच्या आहे, आणि आम्ही त्यामुळे त्रस्त झालेलो आहोत मुलं म्हणजे, आणि आम्हालाही बाकीचे कामं असतात, निवड याच्याच मागे 2.5 वर्षापासून आम्ही याच्याच मागे आहे। आता आम्ही पूर्णतः थकलेलो आहोत, एक तर अनधिकृत असेल तर बंद करावी, आणि अधिकृत असेल तर पुढे चालवावी तसं आम्हाला सांगावं। बरसात के पहले शहर के सभी नालों की सफाई करने का दावा करने वाले मनपा प्रशासन की पोल खुल चुकी है। बरसात शुरू होकर भी अधिकांश नालों का गाल नालों में ही है। सबसे बड़ा खतरा उस अंबा नाले का है जिसके अवैध पिल्लर सफाई के राह का रोड़ा बने हैं। कईयों बार मनपा का ध्यान खींचे जाने पश्चात अब जाकर मनपा ने इस नाले की सफाई शुरू की है, लेकिन यह सफाई बड़ा चैलेंज बन उभरी है। अमरावती महानगर पालिका को अब जाकर समझ में आया है कि अंबा नाले में खड़े दर्जनों अवैध पिल्लर कितना बड़ा खतरा है। अंबा नाले के सफाई को लेकर सिटी न्यूज की प्रखर भूमिका है। इस नाले की स्वच्छता बेहद जरूरी है, इस नाले की गंदगी बड़े अनहोनी का संकेत है। इस नाले में खड़े दर्जनों पिल्लर मौत के पिल्लर बन उभर सकते हैं। सिटी न्यूज लगातार इस नाले के स्वच्छता का और इस अवैध निर्माण का मुद्दा सुर्खियों में रखे है। बरसात के पहले ही यह नाले साफ होने जरूरी थे, मनपा ने वैसा दावा भी किया था, लेकिन मनपा के सारे दावों की पोल खुलकर रह गई। अब जाकर मनपा ने अंबा नाले की सफाई शुरू की है, लेकिन आपको बता दें कि इस
सफाई में बड़ी दिक्कतें जा रही है। इस नाले के पिल्लर नाला सफाई के काम का बड़ा रोड़ा बन गए हैं। मनपा ने मैनुअल पद्धति से यानी कुछ कर्मचारी गमीले फावड़ों के साथ इस नाले में उतार कर स्वच्छता शुरू तो की, लेकिन बड़ी दिक्कत इस सफाई में जा रही है। ढंग से इस नाले में चलते भी नहीं बन रहा। आगामी दिनों में यह नाला मुसीबत बनकर ना बरसे, बस यही दुआ है, ताकि आफत का पहाड़ शहर वासियों पर ना टूटे। मनपा गलियारे का वापर शहरवासी पार्किंग के रूप में करने लगे हैं। शहर के राजकमल से जयस्तंभ तक या इससे पूरे क्षेत्र में पार्किंग की जगह ही न रहने से मजबूरन अपने वाहन नागरिक मनपा में पार्क करते हैं। ये सब देखकर भी पार्किंग के समस्याओं को लेकर मनपा गंभीर नहीं है, जिससे नागरिकों ने मनपा गलियारों को ही अपना वाहन तल बना लिया है। पार्किंग की समस्या से त्रस्त शहरवासियों ने मजबूरन मनपा गलियारों को ही पार्किंग बना डाला है। मनपा के वाहन तल के पार्किंग का वापर नागरिक बड़े पैमाने पर करने लगे हैं, जिससे इस गलियारे में सिर्फ वाहन ही वाहन नजर आते हैं। शहर में पार्किंग की समस्या बड़ी भयंकर है। राजकमल, गांधी चौक, जयस्तंभ, सराफा मार्ग आदि क्षेत्रों में नागरिक अपने काम हेतु आते हैं। इस पूरे क्षेत्र में बड़े बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान और मार्केट्स है, लेकिन कहीं पर भी पर्याप्त पार्किंग की जगह ही नहीं है। इसलिए वाहन चालक अपने वाहन मनपा में पार्क कर जाते हैं और अपने काम निपटाते हैं। यहाँ हर मिनट मिनट कईयों वाहन पार्क होते रहते हैं, फलस्वरूप पूरा मनपा गलियारा पार्किंग की शक्ल ले चुका है। मनपा के वाहनों के लिए भी यहाँ जगह कम पड़ जाती है। मनपा के सभी आला अधिकारियों की आंखें खोलने यह तस्वीरें काफी है, ताकि उन्हें नागरिकों की मजबूरी समझ में आए। मनपा पार्किंग के समस्या का हल तत्काल ढूंढे, यही मांग पार्किंग की समस्या से जूझते नागरिकों की है। महानगर में राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा अनुराग ककरानिया इनकी पावन स्मृति में इस वर्ष के गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों के अभिनंदन तथा सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को शहर के महेश्वरी भवन के विशाल प्रांगण में यह सम्मान समारोह सहर्ष संपन्न हुआ। नगर में राजस्थानी समाज के आगमन को करीब एक सदी गुजर चुकी है। दूध में जो शक्कर घुलकर मिठास निर्मित करती है, उसी प्रकार स्थानीय समाज में राजस्थानी समाज ने घुल मिलकर मिठास निर्मित कर दी है। अपना प्रांत छोड़े बाद भी अपनी प्राचीन परंपराओं को संजोए रखा है। केवल व्यापार ही नहीं, खेती, शासकीय नौकरी, संघ, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित की है। साथ ही अपने पालियों को उच्च शिक्षण देने में भी कभी कोताही नहीं बरती। उनकी सफलता पर समस्त समाज उन गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों का अभिनंदन और सत्कार करना नहीं भूलता, हौसला अफजाई करना कभी नहीं भूलता। रविवार को स्थानीय माहेश्वरी भवन में गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों के सत्कार का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारी मात्रा में संपूर्ण राजस्थानी समाज ने शिरकत की। शहर के प्रभाग क्रमांक 35 के वर्तमान और पूर्व पार्षदों ने इस प्रभाग के पात्र लाभार्थियों को शौचालय योजना का लाभ देने की मांग की है। सोमवार को उक्त आशय का मांग पत्र निगमायुक्त को सौंपा गया। शहर के प्रभाग क्रमांक 35 के नागरिक शौचालय योजना के लाभ से वंचित है। विगत 6 माह से लाभार्थियों के आवेदनों की फाइल मनपा में घूम ही रही है, लेकिन इस पर कोई फैसला अब तक नहीं हुआ।
इसलिए मनपा इस प्रभाग का सर्वे करे और तुरंत पात्र लाभार्थियों को अनुदान वितरित करे। ये मांग सोमवार को इस प्रभाग के वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षदों ने निगमायुक्त से की। हमारा प्रभाग क्रमांक 35 है, जहाँ में झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं और उनको शासन के अनुदान की तरफ से रमाई घरकुल आवास योजना और वैयक्तिक लाभार्थी योजना के अंतर्गत शौचालय योजना है। तो ये शौचालय योजना और रमाई घरकुल योजना के कम से कम 10 महीने से ये लोगों ने फाइल यहाँ पे रखा है, लेकिन 10 महीने से अभी उनके फाइल का कुछ सर्वे भी नहीं हुआ और उनको कुछ चेक भी नहीं दिया गया कि अगले 8 दिन में अगर आपने ये लोगों को चेक नहीं दिए, घरकुल योजना का सर्वे नहीं किया, शौचालय का सर्वे नहीं किया, वो लोगों को चेक नहीं बांटे, तो हम 8 दिन के बाद एक बड़ा आंदोलन हमारे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से करने वाले हैं। दर्शकों, आप देखेंगे दास्तानी अमरावती के अगले प्रस्तुति में महानगर के कुंभारवाड़ा स्थित दत्त मंदिर की दास्तान। नमस्कार, दास्तान अमरावती इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगली कड़ी में हम प्रस्तुत करते हैं कुंभारवाड़ा स्थित दत्त मंदिर। यह दत्त मंदिर काफी पुराना है। बात सन 1700 की करें, उन दिनों कस्बा अमरावती में गढ़ी पर स्थित पंचवटी में दत्तात्रेय प्रभु का स्वयंभू मूर्ति का मंदिर था, जो आज भी भाविकों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। आख्यायिका मुजब करीब 300 वर्ष पुरातन यह मंदिर स्वयंभू है। कहते हैं समीपस्थ शिव मंदिर और दत्त मंदिर की रचना में काफी साम्य था। सन 1913 में भगवान दत्तात्रेय की संगमरमरीय सुंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस समय लोकमान्य टिड़क, दादा साहेब खापरडे और नगर की प्रतिष्ठित मंडली उपस्थित थी। पुरातन समय में गढ़ी पर स्थापित इस मंदिर में साधु संत गुसाई आदियों का डेरा लगा रहता था। गर्मियों से बचने वे तलघर में बैठकर प्रभु स्मरण करते थे। गुरुचरित्र ग्रंथ में पंचवटी में 5 वृक्षों का होना नितांत आवश्यक माना जाता है। उसके अनुसार इस मंदिर में औदुमर, बड़, पीपल, कड़ू नीम व आंवले के लहलहाते पुरातन वृक्ष है। माहौर के दत्तगढ़ से काशी जाने वाले भक्तगण इस मंदिर का दर्शन अवश्य लेते थे और यहाँ मुकाम करते थे। इस मंदिर में प्रवेश करते ही मनुष्य भक्ति भाव से भर जाता है और अंतर भाव प्रकट होते ही होठों से सहज ही निकल पड़ता है, निघालो घेवुन दत्ताची पालकी दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दास्ताने उमरावती, प्रस्तुति अशोक भाई जोशी। अब आरी आज के कार्टून कोना की, देखेंगे आज हमारे व्यंग चित्रकारों ने किस वस्तु स्थिति को व्यंगवानों का निशाना बनाया है। चलिए अब करते हैं मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें मंगलवार की तो मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, अब तक के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन को विराम देने से पूर्व नजर डालेंगे बुलेटिन के अब तक के प्रमुख सुर्खियों पर।
सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर साथ अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570 तथा हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर वन न्यूज चैनल सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।